नमस्कार बागम भाइयों, अभी जो आप फ्रूट देख रहे हैं ये है Z1, जिसको हम फेंजेट के नाम से जानते हैं। तो अभी देखिए, तो फ्रूट साइज, फ्रूट शेप तो Z1 का काफ़ी अच्छा है। ये भी ये हाई कलर स्टेन है, तो इसकी वीडियो मैंने काफ़ी पहले यूट्यूब पे अपलोड की हुई है। तो आज मेरा सिर्फ इस वीडियो को बनाने का एक ही पॉइंट है, इसका बागम भाइयों को टेस्ट दिखाया जाए कि इसका टेस्ट कैसा है Z1 का। तो बाकी जितना भी Z1 के बारे में, वो मैंने पीछे वीडियो में पूरा डिटेल से बताया हो कि हमारे पास Z1 की परफॉर्मेंस कैसी आ रही है 2 सालों से। तो अभी ये कुछ एक फ्रूट अभी आप देख सकते हो, तो Z1। तो बाकी एक चीज़ मुझे Z1 में थोड़ी सी अच्छी लगी कि इसमें, जैसे बाकी हाई कलर स्टेन में हमारे पास तो रस्टिंग का इशू किसी भी हाई कलर स्टेन में नहीं रहता, बहुत ही ये सोचे ना के बराबर है। कुछ एक फ्रूट ये जिनमें रस्टिंग रहती है। तो बाकी Z1 ने मुझे एक चीज इस साल, देखिए ये हमारा सेकेंड ईयर सैंपल है, तो सेकेंड ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर हम फ्रूट के बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, बट इस Z1 में हमें जो एक चीज़ अच्छी देखने को मिली कि जितना भी हमारे पास इस साल फ्रूट था, तो उनमें रस्टिंग का इशू बिल्कुल ना के बराबर था। तो हमें उतना रस्टिंग देखने को नहीं मिली Z1 में, तो अभी आप देख सकते हो। तो ये चीज़ मुझे बाकी हाई कलर स्टेन ब्राइटी के मुकाबले में ये थोड़ी सी एक चीज़ Z1 की अच्छी लगी कि इसमें, देखिए लास्ट ईयर तो चलो खैर फर्स्ट ईयर सैंपल था तो उतना कुछ नहीं कह सकते, बट जो सेकेंड ईयर हमारे पास सैंपल आया उसमें भी कोई किसी भी फ्रूट में कुछ एक दानों में रस्टिंग थी, बाकी रस्टिंग हमें उतना देखने को नहीं मिली जो बाकी हाई कलर स्टेन में रस्टिंग देखने को मिलती है। बाकी अभी हम आपको इसका टेस्ट बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है Z1 का। तो अभी मैं इसको आपको दिखाऊंगा टेस्ट हमारा Z1 का कैसा है। तो बागम भाइयों, जो हमने हमें जो Z1 का टेस्ट जो हमें लगा, ये सोचिए लगभग हमारा डिलीशियस की तरह है, रॉयल डिलीशियस की तरह, जो हमारे पास जो तो टेस्ट के हिसाब से हमें ये बिल्कुल जो हमारा रॉयल सेब है उसकी तरह लगा जो इसका टेस्ट है। बाकी जूसी तो काफी अच्छा है। तो बार बार देखिए, जो हमारे पास Z1 का फ्रूट हमने आपको दिखाया कि Z1 की हमारे पास परफॉर्मेंस कैसी है, कैसी इसकी ग्रोथ है, और सबसे बड़ा जो चीज है वो है टेस्ट, कि जब तक हमें किसी भी फ्रूट का टेस्ट के बारे में पता ना हो तब तक हम उस फ्रूट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। बट इसका जो, जब भी आप कोई भी फ्रूट लगाओ सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि आज की डेट में गाला का प्राइस और गाला की मार्केट काफी अच्छी बनी है। इसका जो कारण है वो है गाला का टेस्ट। तो बाकी जो Z1 पे वर्क कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो बार भाई, हमने जो हमारे पास जो फ्रूट का टेस्ट है, हमें लगभग इसका जो फ्रूट का टेस्ट है वो रॉयल की तरह लगा, रॉयल डिशेज की तरह। बाकी इस वीडियो का बनाने का सिर्फ एक ही था कि इसका टेस्ट, कि बानू भाई को दिखाया जाए कि इसका टेस्ट कैसा है। इसके साथ ही आप देख सकते हो, ये है हमारे पास डार्क बर्न गरीबा, ये भी हाई कलर स्टेन वैरायटी है, तो इसका साइज भी आप देख सकते हो। तो जितना गाला है, गाला में तो चलो हमने थोड़ा सा फ्रूट थिनिंग की हुई थी, बाकी गाला में एक ही चीज का बानू भाई आपने ध्यान देना है कि अगर आप फ्रूट थिनिंग करते हो तो इसका साइज काफी अच्छा बनता है। अगर आप फ्रूट थिन नहीं करोगे तो फिर आपके पास साइज का इशू रहेगा, चाहे आप कोई भी किसी भी गाला पे वर्क कीजिए, चाहे हाई कलर स्टेन हो चाहे फिर वो लेट कलर वाइटी हो। तो ये देखिए, बाकी गाला तो टेस्ट के मुकाबले में नंबर 1 है। तो ये डार्क बर्न गरीबा है, तो जिनकी एलिवेशन 4500 से लेकर 7000 के बीच में है, तो वो गाला पे जैसे जिनको, तो वो डार्क बर्न गरीबा के ऊपर वर्क कर सकते हैं। ये देखिए कुछ एक दाने तो हमारे लगभग, ये देखिए डिलीशियस के बराबर है ये डार्क बर्न गरीबा।
और गाला गाला तो टेस्ट के मुकाबले में कुछ सालों से देखा आपने कि मार्केट में गाला के प्राइस बहुत अच्छे मिल रहे हैं, और इस साल भी आप देख सकते हो कि 200 प्लस ही इसके प्राइस मार्केट में बने हुए थे। अभी देखिए डार्क बेन गरीबा, बाकी कलर हाई कलर स्टेन में कलर सेम ही है, चाहे आप ये देखिए चाहे डार्क बेन गरीबा हो, चाहे आपके साथ इसके साथ आपका फैन चाहे जेड बन हो, ये देखिए बिल्कुल साथ साथ रखे हुए हमने, ये डार्क फैन जेड जिसको हम जेड बन के नाम से जानते हैं, और इसके साथ देखिए आप डार्क बेन गरीबा। डार्क बैरन गरीबा जो गाला एप्पल है ये तो ऐसे भी क्रंची काफी रहते हैं, और जो गरीबा का टेस्ट है बिल्कुल ही स्वीट है, काफी क्रंची। तो बाकी जो टेस्ट के मामले में जितने भी गाला हमारे पास है, चाहे लेटेस्ट से लेटेस्ट से लेटेस्ट हो चाहे ओल्ड से ओल्ड, तो टेस्ट के मामले में ये सोचिए कि जो 10 में से 10 नंबर अगर मैं किसी को देना चाहूँ वो है हमारा गेल गाला। तो गेल गाला का टेस्ट काफ़ी अच्छा है बाकी गाला के मुकाबले। बाकी जो डार्क बर्न गरीबा है इसका जो सबसे अच्छी बात है इसका कलर, ये हाई कलर स्टेन है और साइज साइज काफ़ी अच्छा। आपने हमारी पीछे भी वीडियो देखी होगी कि डार्क बर्न गरीबा का साइज हमारे पास काफ़ी अच्छा था, चाहे कोई भी गाला हो, क्योंकि काफ़ी बार बार के मैसेज थे कि जो हाई कलर स्टेन है जैसे खासकर जो डार्क बर्न गरीबा है इसका साइज इशू है। बट आप देख सकते हो कि हमारे पास तो हमने इनको प्लांट में भी दिखाया हुआ है और बॉक्स में भी दिखाया कि हमारे पास तो साइज काफी अच्छा था, जबकि हमारा सारा वर्क ही सीडलिंग पे है, बहुत कम प्लांट है जो हमने रूफटॉप पे लगाए हुए हैं, बाकी सारा ही वर्क हमारा सीडलिंग पे है। सीडलिंग पे आप देख सकते हो परफॉर्मेंस, और बाकी टेस्ट के मामले में जो गाला है वो नंबर 1 है। तो आने वाली जो मार्केट आने वाले टाइम में जो फ्यूचर में एप्पल में जो सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू जो होगी वो आने वाले टाइम में गाला की होगी। तो जिन बावन भाइयों को अगर कलर का इशू है तो वो हाई कलर स्टेन में अगर कोई गाला पे वर्क कर रहा है तो डार्क बेन गरीबा पे वर्क कर सकता है, इसका साइज अच्छा है। बाकी टेस्ट टेस्ट तो गाला में सारे गालों में सेम ही है, ये क्रंची है इनका सारा टेस्ट। चलो बावन भाइयों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी तो हमेशा कोशिश रहती है कि हर छोटी से छोटी बात वीडियो के माध्यम से अपने बागवान भाइयों तक पहुंचा सकूं। जो भी हम अपने ऑर्चर्ड में चाहे प्रैक्टिस करें चाहे कुछ भी चीज़ हमें नई चीज़ सीख रहे हैं जो भी हम सीख रहे हैं। चलो बागवान भाइयों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।